हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है, और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को हनिस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ MCQ। तो करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा, जिसमें हमको आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर पूरा वीक का इसमें डिस्कशन डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का, उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएं। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं, और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे, जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हो सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहे हो, आप BPSC दे रहे हो, RO का दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हम ये कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आप कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। कार्बन कैप्चरिंग एंड सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, सोलर रेडिएशन एंड मैनेजमेंट, डायरेक्ट एयर कैप्चर। तो 4 स्टेटमेंट दिया है। हाउ मेनी एबव आर जियो इंजीनियरिंग आर क्लाइमेट इंजीनियरिंग अप्रोच। इसमें पूछा है कि 4 ऑप्शन देके पूछा है कि जियो इंजीनियरिंग और क्लाइमेट इंजीनियरिंग के अप्रोच से कौन कौन इसमें से सही है। तो सबसे पहले तो ये जाने कि जियो इंजीनियरिंग क्या होता है। तो जियो मतलब होता है अर्थ, इंजीनियरिंग मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी का यूज करना अर्थ के लिए। तब इसका मतलब कि अर्थ के इंजीनियरिंग, अर्थ के लिए टेक्नोलॉजी यूज किया जाता तो उस किया जाना। लेकिन यहाँ पर किस एस्पेक्ट में, तो यहाँ बोला है कि क्लाइमेट के एस्पेक्ट में इंजीनियरिंग का अप्रोच बताना है क्लाइमेट के। तब हम ये जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अगर देखते हैं तो बहुत तेज़ी से है। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वायरमेंट का एक सबसे बड़ा दुख की बात है ग्लोबल वार्मिंग, और इससे पूरा दुनिया परेशान है। तो इसी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए दुनिया भर की पॉलिसी, नियम, कानून और सब बनते रहते हैं, और साइंटिस्ट दिन पर दिन कोई ना कोई रिपोर्ट लाते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर हो या ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रिड्यूस किया जाए, जिसे अर्थ को सेफ रखा जाए, वुमेन को सेफ रखा जाए। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर में था। तो आप इसमें से अगर देखेंगे तो ये 4 ऑप्शन जो आप पाएंगे सब करेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तो इसमें से डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं जो न्यूज पेपर में था, तो ये है एक्सप्लेन इसका। न्यू स्टडी यानी नया स्टडी हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारी स्टडी हो चुकी है। तो न्यू स्टडी में क्या हुआ है कि मिलियन ऑफ टन स्प्रे करना क्या डायमंड डस्ट यानी अर्थ इन अर्थ अपर एटमॉस्फेरिक एवरी ईयर हेल्प टू कूल डाउन द अर्थ एंड कम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से कम्बैट करने के लिए और अर्थ को कूल रखने के लिए यानी उसके टेम्परेचर को डाउन करने के लिए एवरी ईयर, यहाँ पर रिपोर्ट में बोला गया कि एवरी ईयर हमको क्या करना है डायमंड डस्ट का स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। वो भी किसमें, तो अपर अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर। तो अर्थ का कितने एटमॉस्फेयर होते हैं, कितने लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो हम पढ़े हैं कि पहला
हम लोग इन्वायरमेंट जब पढ़ते हैं या ज्योग्राफी या साइंस कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि जो अर्थ है ये, ठीक, ये अर्थ है, इसके ऊपर हम पाते हैं क्या, जीरो से लगभग 20 किलोमीटर तक क्या होता है, ट्रोटोस्फीयर, क्या ट्रोपोस्फीयर, क्या होता है ट्रोपोस्फीयर, ठीक। अब इसके बाद ऊपर तक जाते हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो फिर पाएंगे हम क्या, स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बाद पाएंगे तो मेसोस्फीयर, ठीक, मेसोस्फीयर के ऊपर जाएंगे तो थर्मोस्फीयर, फिर एक्सपो, ठीक ना। आप यहाँ पर, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में ही छिड़काव की बात हो रही है कि यहाँ पर, अगर क्यों कि अगर यहाँ से पृथ्वी जो सन से रे आएगी उस रे को क्या करेंगे कि हम रोक देंगे, वो ऊपर चली जाएगी, डायमंड का छिड़काव अगर कर दिया जाएगा इस लेयर में तो, और जो सूर्य से सन रे आ रही है हिट करने के लिए उसको ये क्या डाइवर्स कर देगी, ऊपर से निकल जाएगी, तो टेम्परेचर यहाँ पर आएगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और भी कार्बन इमिशन को रोकने के लिए भी, ठीक ना। तो यही टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की जा रही है, इससे पहले भी कई टेक्नोलॉजी यूज की गई जिसमें ये सजेशन दिया गया था कि सल्फर का भी, कैल्शियम का भी, एल्युमिनियम का भी और सिलिकॉन का भी हम क्या करें कि इसका भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकते हैं और पृथ्वी के टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जियो इंजीनियरिंग रेफर टू, अब जियो इंजीनियरिंग क्या रेफर करता है, रेफर टू एनी लार्ज स्केल अटेम्प्ट टू अल्टर द अर्थ नेचर नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम टू द कंट्री काउंटर द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जियो इंजीनियरिंग ये रेफर कर रही है कि ये किसी लार्जर स्केल अटेम्प्ट करके यानी टेक्नोलॉजी विकसित करके और टेम्परेचर जो अर्थ का नेचुरल क्लाइमेट है उसको अल्टर करके उसमें क्या हो ग्लोबल वार्मिंग का जो एडवर्स इम्पैक्ट है उसको काउंटर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जियो इंजीनियरिंग में डिफरेंट मेथड यूज किया गया है, तो कौन कौन मेथड है तो उसका बारे में देख लेते हैं। तो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, ठीक, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट में क्या है कि हम ऐसे मटेरियल का यहाँ पर प्रपोज करेंगे जिससे क्या होगा कि स्पेस से आने वाले, स्पेस में जो होगी सन रे आएगी क्या होगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर उसको सोलर रेडिएशन यानी सोलर के रेडिएशन को मैनेजमेंट मैनेज करने की बात हो रही है कि यानी वो पृथ्वी पर ना पहुँचे उसको कैसे मैनेज किया जाए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल CDR टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिसमें क्या हो गया, इसमें टेक्नोलॉजी में क्या होता है कार्बन कैप्चर और सेक्वेस्ट्रेशन होता है, कार्बन को कैप्चर किया जाएगा उसको सेक्वेस्ट किया जाएगा, फिर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइज, कार्बन कैप्चर करके उसको यूटिलाइज किया जाएगा, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन और स्टोर, तो उसका स्टोर भी किया जाएगा एंड किसी और चीज़ में मॉडिफाई कर दिया जाएगा कार्बन को। यहाँ डायरेक्ट एयर कैप्चर मेथड भी है, तो ये चार में तीन मेथड आपको मिला, सोलर रेडिएशन मेथड आपको मैनेजमेंट, ये आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड डायरेक्ट एयर को कैप्चर कर लो, ठीक। अब इस मेथड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सक आउट थ्रू द लार्जर आर्टिफिशियल ट्री, आर्टिफिशियल ट्री बना के उसमें क्या होगा कि कार्बन को कैप्चर किया, कार्बन डाइऑक्साइड को, और एम्बिट एयर एंड डायरेक्ट टूवर्ड द स्टोर साइट यूटिलाइज, उसको स्टोर किया जाएगा साइट से, उसको बाद में यूटिलाइज भी किया जाएगा। तो ये आपका जो कि न्यूज़ में बहुत है, ये इन्वायरमेंट का बहुत ज़बरदस्त एक तरह से देखा जाता है, अगर इसको अप्लाई किया जाता है और ये सक्सेस होता है तो एक तरह से देखा जाएगा तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही रामबाण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू सॉयल ऑर्गेनिक मैटर, तो यहाँ सॉयल ऑर्गेनिक मैटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए हमारा एम यही है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद, पांच क्वेश्चन जो हैं ये आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, अगर याद नहीं हो तो उसको बार बार पढ़िए, याद कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए ताकि याद रहे, ताकि परीक्षा में आए तो गलती ना हो। तो ये आपको बस इसी पाँच क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वीक में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो यहाँ सॉयल ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करा है, इट इज अ पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक रिसाइडुएज, ठीक ना, ऑर्गेनिक रिसाइडुएज इन सॉयल वेरियस स्टेट ऑफ डेके, तो वेरियस स्टेट ऑफ डेके पर, ठीक, पोर्शन बात कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर जो पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिक रिसाइडुएल इन सॉयल इन वेरियस स्टेट ऑफ डेके, इट इज कैन रिटेन लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर, रिटेन एंड वाटर यानी वाटर का भी अमाउंट ज़्यादा ले रहा है, न्यूट्रेंट भी, विच हेल्प टू इंक्रीज द सॉयल बायोडाइवर्सिटी, जो सॉयल बायोडाइवर्सिटी उसको इंक्रीज करने का, इंक्रीज इरोजन एंड लीचिंग, लीचिंग में क्या होता है कि कलर चेंज हो जाता है सॉयल का, इरोजन में जानते हैं ये क्या होता है कि उसका कटाव होता रहता है सॉयल का, ठीक। तो अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है, ठीक ना। तो अब ये सबसे पहले जाना सॉयल ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है, ठीक। तो सॉयल यानी अर्थ में, यानी सॉयल में, सॉयल मतलब कि सॉयल में, अर्थ में यानी सॉयल जो भी हम खेती बाड़ी करते हैं उसकी बात कर रहा है, उस सॉयल की मिट्टी में, ठीक ना, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहा है। ये कैसे मालूम चलेगा, तो ऑर्गेनिक मैटर अगर मिट्टी में प्रेजेंट है तो वो बताता है कि सॉयल कितना हेल्दी है, क्या है सॉयल हेल्थ कितना है, इसीलिए भारत सरकार ने सॉयल हेल्थ कार्ड का भी
इन्वेंट स्कीम लेके आई थी, कब ले आई थी, तो 2015 में सॉयल हेल्थ कार्ड 2015 में आया था, जिससे क्या होता कि हेल्थ सॉयल कैसा स्वस्थ है कि बीमार है कैसा, उसका हेल्थ चेक करने के लिए। अब वही चीज़ कैसे चेक होता है, तो उसमें यही चेक किया जाता है कि इस सॉयल में कितना ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, और ऑर्गेनिक मैटर जितना अवेलेबल होगा उतना ही वो क्या होगा कि सॉयल हेल्दी होगा। और ये किसी भी हर पार्ट में पाया जाता है, मान लीजिए इतना बड़ा सॉयल है, ये अब इसमें से कट होके ये पार्ट अलग आ जा रहा है, तो इसमें भी तो रहेगा मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इसमें भी रहेगा, अगर ये कट जाता है तो इसमें भी रहेगा, ठीक है। तो कितना भी इसका रिसिड्यूअल हो जाए, चाहे कुछ रिड्यूज हो जाए, चाहे कुछ भी इसका इसका इरोजन भी हो जाए, तो उसमें रहेगा, ठीक है ना। तो सॉयल का क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल रहेगा। इसी चेक करने के बाद हम बताएंगे कितना हेल्थ इसका बढ़िया है। तो ऑर्गेनिक मैटर हेल्थ चेक करने के काम आता है सॉयल, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज़्यादा हेल्दी सॉयल, ठीक ना। तो आप खुद सोचिए, जब ऑर्गेनिक मैटर पोर्शन, जब किसी भी सॉयल हेल्दी सॉयल रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि पोर्शन ऑर्गेनिक सॉयल में वेरियस स्टेज आप देखें, कितना भी देखे हो सभी स्टेज पर वो ऑर्गेनिक मैटर का होगा अवेलेबल रहेगा, ठीक। और जब रहेगा तो क्या होगा, रिटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये क्या होगा, लार्ज अमाउंट वाटर को अपने अंदर रखेगा, देर तक रखेगा, न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखेगा, जिससे क्या होगा कि सॉयल की बायोडायवर्सिटी बनी रहे और अच्छी फसल उगे। अब जब सॉयल ऑर्गेनिक मैटर जब अवेलेबल रहेगा, तो क्या होगा, इरोजन को नहीं होने देगा, क्योंकि इससे हेल्थ खराब होती है सॉइल की, और लाइक लीचिंग क्या होता है, ये भी हेल्थ खराब करता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है थर्ड। तो ओनली वन और टू सही है, तो वन टू यानी सी में करेक्ट है। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं, एक्सप्लेन में भी वही चीज़ें बताई गई है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर रेफर टू ऑर्गेनिक रिमेन इन सॉइल, यानी ऑर्गेनिक कितना सॉइल में बचा है वेरियस स्टेज डिग्रेड होने के बाद भी कितना बचा है वो, ठीक। पहला स्टेटमेंट आल दो ओनली मेक द स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉइल मैट्रिक्स, स्मॉल पोर्शन भी रहेगा ना, तो उसमें भी सॉइल मैट्रिक्स हम बना सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि इसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है। SOM सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है सस्टेंड इंपैक्ट ऑन द सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ पर इंपैक्ट करता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर रिटेन लॉट ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प द प्रिजर्व द एक्सपेंड सॉइल बायोडायवर्सिटी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड इनकरेक्ट है। द प्राइमरी कंपाउंड ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में प्राइमरी कंपाउंड जो होता है कार्बन होता है, ठीक ना। कार्बन हर चीज़ में होता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी सॉइल, जब भी ऑर्गेनिक की बात की सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की, तो कार्बन याद रहना चाहिए, कार्बन ही मेन उसका प्राइमरी है, ठीक। आल्सो नो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भी बोलते हैं, ठीक ना। दिस कार्बन इज ग्रेट टेरेस्ट्रियल कार्बन रिजर्व मेकिंग सॉइल क्रिटिकल टू अवर प्लैनेट कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल को बनाने के लिए भी एक काम में आता है। तो सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट एनिमल टू हैव द जीनोम इंटायरली डिसेफर, यानी जीनोम को स्टडी करने में सबसे पहले किस एनिमल का यूज हुआ था, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि इस पर नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, और इसमें है नेमाटोडे ऐसा एनिमल है, फर्स्ट एनिमल जिस पर जीनोम का, और इसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ इसके ऊपर, ठीक ना। और ये करेक्ट ऑप्शन है, जिसको जीनोम को स्टडी करने में बहुत हेल्प किया, ठीक। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेन में है, 1 मिलीमीटर नेमाटोड, 1 मिलीमीटर है हेल्प द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ हेल्दी सेल प्रोग्राम टू द किल देम सेल्फ, कोई भी हेल्दी सेल कैसे किसी को अपने आप को मार देती है, और कैसे ये क्या प्रोसेस टू फेल इन द एड्स में डीजनरेटिव डिसऑर्डर में, तो कैसे अपने आप को मार देती है कोई सेल, और क्या होता है फेल हो जाता है किसमें, एड्स के या स्टोक में, सब जो भी डिसीज हैं, और इसी के फोकस में इसी पर काम करने पर क्या होता है 2002 में नोबेल पुरस्कार मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन या मेडिसिन में। नोबेल कमेटी नॉलेज सेल्फ प्रोक्लेम वार्म पीपल इन 2006 डिस्कवरी जीन साइलेंसिंग की डिस्कवर के लिए इसको वार्म पीपल सेल्फ प्रोक्लेम किया गया था, किसके द्वारा, नोबेल कमेटी के द्वारा। तो ये आपको मालूम है, परीक्षा में पूछ देगा वार्म पीपल कौन थे, तो आपको मालूम चाहिए नोबेल कमेटी के द्वारा सेल्फ प्रोक्लेम थे। अब किस लिए थे, तो जेन साइलेंस हो जा रहा है, ठीक ना, विच सेवरल फाउंडेशन ऑफ कंप्लीटली नो न्यू क्लास ऑफ द मेडिकेशन। मोस्ट फेमस नोट कम टू सिडनी बर्ने हु ओन द फर्स्ट वार्म नोबल, तो सिडनी बर्ने जो है पहला वार्म नोबल पाया था, ठीक। मेटाटोडे वाज द फर्स्ट एनिमल टू हैव द जीनोम इंटायर डिस्कवर 1998 ईयर बिफोर द साइंटिस्ट एबल टू सम फ्लाई, और इससे पहले क्या होता है कि फ्लाई और माइस पर इसका एक करते थे साइंटिस्ट की मिल जाए, लेकिन नहीं, ये पूरा स्टडी करने में, ठीक है ना। तो ये रहा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्निंग बॉडी ऑफ CBD इज
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी तो बोल रहा है कि सीबीडी जो है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्स क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का गवर्निंग बॉडी है, ठीक ना। सेकेंड स्टेटमेंट, सेक्रेटरीट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज बेस इन नैरोबी, नहीं ये गलत 100% नैरोबी नहीं है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटकम ऑफ द 1992 रियो अर्थ समिट, 1992 में रियो अर्थ समिट से बहुत सारे क्या बोलते हैं आउटकम आए थे, ठीक है ना, उसमें से एक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑफ बायो, ये सही है और ये सही है, तो दो स्टेटमेंट इन सही है तो बी इज करेक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अभी न्यूज में है, इसको ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी केम आउटकम आउट द 1992 रियो अर्थ समिट गेव द राइट यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ ऑन बायो सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एम टू, इसका एम क्या है प्रोटेक्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल की बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना इसका एम है। रिस्टोर द नेचुरल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को जो इकोसिस्टम गड़बड़ा गया है उसको रिस्टोर करने की बात कर रहा है। इंश्योर द दैट बेनिफिट फ्राम द वर्ल्ड बायोलॉजिकल रिसोर्स आर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है कि बायोलॉजिकल जो रिसोर्स है वर्ल्ड में उसको सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए। तो 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीबीडी कॉप 16 इज फर्स्ट सिंस द हिस्टोरिकल बायोडाइवर्सिटी पैक्ट वाज साइन 2 ईयर अर्लियर, दिस एग्रीमेंट ऑफ कुनमिंग मोंटोरियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क विच वाज साइन एट द कॉप 15 इन द मोंटोरियल 2022, ठीक ना। इसका गोल क्या था तो 4 गोल है, 23 टारगेट हैं, 4 गोल और 23 टारगेट टू मीट कलेक्टिविटी 2030 यानी 2030 तक इसको इसके टारगेट को मीट करना है। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट रेटिफाई बाई 196 मेंबर कंट्रियों के द्वारा और प्रमोट किया जा रहा है क्या कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट ऑफ राइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइज टू जेनेटिक रिसोर्स, ठीक। सीबीडी जो सीबीडी है गवर्निंग बॉडी इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, बस स्टेटमेंट करेक्ट है। सेक्रेटरीट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेस ऑन मोंटोरियल कनाडा, ठीक ना, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कनाडा है मोंटोरियल कनाडा, इसमें क्या दिया था कि सेकंड स्टेटमेंट किस लिए तो नैरोबी की बात कर रहा है, ठीक ना। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ एंड लास्ट, विच रिफरेंस टू यूरोपा क्लीपर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूरोपा क्लीपर बता रहा है, ठीक है ना। तो ये इट इज अ फर्स्ट मिशन टू डिजाइन द कंडक्ट द डिटेल स्टडी ऑफ सटर्न मून यूरोपा, नहीं सटर्न नहीं जुपिटर, ठीक है ना, जुपिटर का ये नासा का है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, दिस मिशन इज प्लान टू इन द 2034 विच प्लान टू क्रैश इन टू ज्ञान में, ठीक। तो सेकेंड स्टेटमेंट इन इज करेक्ट है और ये नासा का यूरोपा क्लीपर है, ये हमेशा न्यूज में आए, अभी भी न्यूज में आए, ठीक है ना। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन में है यूरोपा क्लीपर जो है फर्स्ट मिशन है, ठीक है ना। एम क्या है तो इसका एग्जामिन करना है जुपिटर के मून को, यूरोपा एंड जुपिटर का मून है यूरोपा का, जुपिटर पर कितने मून है तो सबसे ज़्यादा मून है, ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये नासा का है, ठीक, नासा का एक प्रोजेक्ट है, ठीक, और 2034 तक इसको कंप्लीट करने की बात की गई है। तो कोलिजन विद द ज्ञानी मेड जुपिटर लार्जर मून, ठीक, तो ज्ञानी जुपिटर का लार्जर मून है प्रोग्राम टू कोलिजन विद ज्ञानी मेड, ठीक। तो यहाँ पर जुपिटर का 95 मून है, ठीक, मून का मतलब सेटेलाइट, जो नेचुरल सेटेलाइट होती है उसको मून बोला गया है, ठीक ना। तो यहाँ बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आज यहीं पर आज का डिस्कशन और करंट अफेयर का यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे हम लोग, तो इकोनॉमी से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा फैमिली आप बढ़ाइए, ठीक ना, अपने दोस्तों को भी कीजिए ताकि फैमिली थोड़ा सा लंबा होके, ठीक ना, बहुत कम लोग हैं, ठीक। तो थैंक यू, धन्यवाद।